हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं ऐसे दो स्टॉक जिनको हम शॉर्ट टर्म में बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ये एक स्टॉक तो आपका इस लेवल का है कि आपको 100% रिटर्न देने के लिए रेडी हो रहा है, और इसका मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। और दूसरा है आपका बजाज फिनसर्व। तो गाइस, इससे पहले बात करते हैं कि हमने 25 तारीख को कौन कौन से स्टॉक दिए थे। तो 25 तारीख को जैन टेक्नोलॉजी मैंने रिकमेंड की थी। 25 को 3 स्टॉक मैंने आप लोगों को दिए थे, जिसकी प्राइस 350 थी, और एनएमडीसी स्टील थी जिसकी प्राइस 41 थी, और कैमबोर्ड करके एक स्टॉक था जिसकी प्राइस 665 थी। तो जैन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने 350 से 390 तक के टारगेट लिए थे, जो कि टारगेट अचीव हुए, और इसने हाई लगाया 433। एटलीस्ट आपको 23% प्रॉफिट ये दे के गया। मैंने 3 महीने के लिए कहा था, लेकिन आपको विद इन 15 डेज, 10 to 15 डेज, यानी कि आज 7 तारीख है, 10 दिन 15 दिन के अंदर, यानी कि आपको 23% प्रॉफिट इसने दिया। एनएमडीसी के अंदर, एनएमडीसी स्टील के अंदर मैंने 41 के आसपास खरीदारी कही थी, और 46 का इसका हाई था, तो इसने भी 12% के आसपास आपको टारगेट मैंने 55 तक दिए हैं। अभी इसको 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर आप होल्ड कर सकते हैं। ये वाला मैंने कैमबोर्ड था, इसका टारगेट मैंने फर्स्ट टारगेट आ गया है 380 का दिया था, 380, और इसका हाई है 403, 450 तक के लिए आप अगेन 10% आपको इस स्टॉक ने भी आपको दिया है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इन दो स्टॉक के बारे में। तो नाम इंडिया करके आप सर्च करेंगे तो निपोन LIAM, मतलब निपोन की ये एक ETF है जो कि शानदार है, और हाल फिलहाल अभी ये 256 257 के आसपास चल रहा है। ये यहाँ से डबल होने की काबिलियत रखता है, और इसके 3 मंथ के टारगेट मैं एटलीस्ट आपको दे के जा रहा हूँ 325, और सेकेंड टारगेट मैं दे रहा हूँ करीबन 380, 325 और 380 के मैं टारगेट आप लोगों को दे के जा रहा हूं। तो इसका फर्स्ट टारगेट है गाइस 325, और दूसरा टारगेट है 380। ये दो टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में निपोन के ETF में पैसा लगाएं, बनेगा पैसा। इसका लो देखो 29-31 मार्च के आसपास 196 है, यहाँ से इसने 1257, मतलब एटलीस्ट आपको 50-25-30%, यानी कि 3 महीने के अंदर आपको बढ़िया रिटर्न दे दिया। तो आने वाले टाइम में और ये और भी शानदार आपको रिटर्न देगा। तो गाइस, सेकंड स्टॉक है आपका, और इसका अगर निपोन लाइफ का अगर आप ETF की प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखो 59-60-66% हर साल, यानी कि इसने एटलीस्ट अबाउट 50% के आसपास कंटिन्यू 3 साल से, यानी कि 20, 21, 22 और 23 के अंदर इतना शानदार रिटर्न दिए हैं, और बढ़िया बैलेंस शीट है इसकी, फंडामेंटली भी स्ट्रोंग है, और डूबने वाला लफड़ा नहीं है कि डूब जाएगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। ETF है, ETF में ये मार्केट के ऊपर चलता है, और सारा का सारा ये आपको 3 मंथ 6 मंथ अगर आप होल्ड करते हो तो आपको शानदार आपको पैसा ये बना के देगा। दूसरी कंपनी है बजाज फिनसर्व, इसने नीचे का बॉटम टच कर चुका है। ट्रेंड लाइन पे अगर आप बात करें तो इस तरह से एक शानदार ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके गाइस अगेन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरा ये आपको जल्दी ही, ज्यादा नहीं कहता मैं आपको, फर्स्ट टारगेट आपका 1575, सेकंड टारगेट आपका 1700। दो टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट आपका 1575, सेकेंड टारगेट आपका 1700। इन दो टारगेट के लिए 3 महीने के लिए इस स्टॉक में पैसा डाल दें। एसएल अगर बाय ऑन डिप्स है इसको 1300-1200 तक अगर और मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, पैसा बनाने के लिए ऑप्शन ही जरूरी नहीं है, मैं बेस्ट बेस्ट स्टॉक भी आपको दे रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।